चंद्रयान 3 चांद पर फतह करने के लिए महज कुछ ही घंटे दूर है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। मून पर 4 फेज में लैंडिंग होने वाली है। 40 दिनों की इस लंबी यात्रा के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरने की तैयारी करेगा, लेकिन इसकी सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की ही है, जो बहुत कठिन होती है। इसमें सबसे अहम वो अंतिम 15 मिनट होते हैं। आपको याद होगा कि यही 15 मिनट चंद्रयान 2 के लिए भी खास था, और वो इसलिए क्योंकि 15 मिनट आखिर इतना खौफनाक इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 2 उन्हीं 15 मिनट में असफल हो गया था। आखिर क्यों 15 मिनट इतना अहम है और क्यों इतना रोमांचक है? लैंडिंग का प्रोसेस 23 अगस्त को 5:45 से स्टार्ट होगा और 4 व्यापक चरणों में शुरू होगा। इसमें रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज भी शामिल है। लैंडिंग का ये 15 मिनट रोमांच से भरपूर होगा, वो इसलिए क्योंकि इस दौरान चंद्रयान 3 का लैंडिंग लाइव देख रहे लोगों के लिए एक T20 क्रिकेट मैच के लिए आखिरी ओवर में चल रहे मुकाबले से कम नहीं लगने वाला है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये 15 मिनट क्यों इतना खास है, क्यों इतना खौफनाक है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को एक सार्वजनिक संबोधन में कहा था कि जब 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तब चंद्रयान 3 लगभग 90 डिग्री झुका रहेगा। इसे लैंडिंग के लिए लंबवत होना जरूरी है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान 2 में समस्या हुई थी, और लैंडर के लैंडिंग की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो पहला चरण रफ ब्रेकिंग चरण होगा। ये लगभग 690 सेकंड का होगा और इस चरण में लैंडर लगभग 6048 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा शुरू करेगा और उसे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड यानी कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दी जाएगी। लैंडर का स्पीड 36 से कम करने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे और अंतरिक्ष यान 690 सेकंड में लगभग 745 किलोमीटर दूर पहुंचेगा, जहां उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किलोमीटर ही रह जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज का होगा। इसकी शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी और इस चरण में लगभग 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटाकर 6.8 किलोमीटर की जाएगी। इस दौरान उसकी जो गति है वो 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर किए जाएंगे। तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग फेज का होगा। इस चरण में लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से अपनी यात्रा शुरू करेगा और चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। इसमें लगभग 175 सेकंड का वक्त लगेगा और इस ऊंचाई पर लैंडर की स्पीड शून्य हो जाएगी और वो कुछ देर तक मंडराएगा वहां पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होगा क्योंकि यहां से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे कि कहां पर उतरना है, ये स्थल लैंडिंग के अनुकूल है या नहीं। इसके बाद वो चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा और इसके बाद चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई लैंडर फैसला लेगा कि उसे इस स्थल पर लैंड करना है या नहीं, अन्यथा वो आगे खोज करेगा। अगर लैंडिंग में कोई स्थिति अनुकूल नहीं मिली तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर चला जाएगा और वहां लैंड करेगा। अब आखिरी चरण टर्मिनल डिसेंट फेज का होगा। विक्रम 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर वहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई सिर्फ 10 मीटर रह जाएगी तब वो धीरे से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस समय उसकी गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसके बाद जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उसका कुल वजन 800 किलोग्राम रहेगा। आपको बता दें कि 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था और यहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी आ गई और उसके बाद लैंडर मॉड्यूल क्रैश हो गया। चंद्रयान 3 का लैंडर एक लंबी गोलाकार कक्षा में फिलहाल चंद्रमा की परिक्रमा लगा रहा है और चंद्रमा की सतह के ऊपर से गुजरने के बाद इसे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में लाने के लिए अपने बूस्टर को प्रज्वलित करता है। इसके बाद वो चंद्रमा की सतह की ओर तेजी से गिरने लगेगा और जब ये गिरने लगेगा तब इसका वेग बहुत ज्यादा होगा। पृथ्वी से चंद्रमा तक एक रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है
उस सिग्नल को दोबारा जमीन तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगेगा। इस प्रकार से चंद्रयान लैंडर पृथ्वी पर एक सिग्नल भेजता है और प्रतिक्रिया में दूसरे सिग्नल को उस तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का वक्त लगेगा। इसका मतलब है कि इसे पूरा होने में लगभग 2.5 सेकंड का समय लगेगा। मतलब कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रमा पर गिरने वाले लैंडर को नियंत्रित करने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। इस अतिरिक्त समय के कारण ही लैंडर को ऐसा बनाया गया है इस बार कि लैंडर अपने निर्णय खुद ले ले, और ऐसे प्रयास में तकनीकी रूप से सब कुछ ठीक होना चाहिए, नहीं तो एक छोटा सा अंतर भी मुश्किलों का कारण बन सकता है। चंद्रयान 3 पहले अपने बूस्टर को फायर करके 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा ताकि वो चंद्रमा की सतह की ओर आसानी से गिर पाए। वहां से ये तेजी से चंद्रमा की सतह पर गिरेगा भी, और इस प्रकार से उतरते समय लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह से 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। चंद्रमा के पास चंद्रयान 3 के चारों पैर चंद्रमा की सतह को लंबवत रूप से नहीं छू सकते, चाहे वो कितने भी किनारे की ओर क्यों न झुके। तब चंद्रयान के औंधे मुंह गिरने का खतरा भी हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रोवर इससे बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए लंबवत होने की भी गुंजाइश यहां देखी जा रही है कि लंबवत होकर ही वो आराम से धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए चंद्रयान 3 उसकी सतह पर लैंड करे ताकि सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।